फाइनली वी आर एट लेक वाइकाटिपू. वाइकाटिपू ये जो लेक है ये पूरी क्वींसटाउन तक जाती है. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स टू लॉन्ग. तो यहाँ से उधर क्वींसटाउन है. सो थक गए ड्राइव करते. 4 hours ड्राइविंग. द सेम लेक जो हमने वहां पे देखी थी, लेक वाकाटिपू. दैट्स द सेम लेक बट इस बार हम दूसरे साइड पे हैं और सिटी के इस तरफ क्वींसटाउन और सिटी के एक तरफ लेक जो कि पूरा क्वींसटाउन को साउथ आइलैंड प्रॉपरली दैट्स द लॉन्गेस्ट लेक आई थिंक इन साउथ आइलैंड एंड दैट्स सिटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेनॉर्क. सो आई एम एट ग्लेनॉर्की. सो ये वो प्लेस है जहाँ पे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सेटअप पूरा यहीं पे था, ऑल ओवर हियर. सो और ही बहुत मूवीज़ हैं टॉम क्रूज की. आई डोंट नो एग्जैक्ट द नेम. मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी नहीं देखी, मे बी इसके बाद देखूँगा. सो द थिंग इज बहुत ही प्यारी प्लेस है और अकेले का फ़ायदा, कहीं भी कपड़े पहन सकते हो. सो Let's have a look. भैया दैट्स ग्लेनॉर्ची, बहुत ही प्यारा है एंड इट्स वर्दी 2 घंटे की ड्राइव. सो थोड़ा प्लान चेंज हुआ बिकॉज मैं ब्लफ से डायरेक्ट क्वींसटाउन जाने वाला था बट सनशाइन था, हल्की हल्की बारिश हो रही है स्टिल, बट कोई नहीं, वापस क्वींसटाउन एंड हैव रेस्ट. आज का बहुत हुआ. आज के लिए बहुत हुआ. नाउ बैक टू क्वींसटाउन. बाय बाय.
सो नाउ आई एम एट क्वींसटाउन. जाते वक्त एक बे पड़ा था, विल्सन बे नाम का, जो कि क्वींसटाउन में ही है, बट जाते वक्त लगा कि लेट ना हो जाए कहीं. सो बट नाउ आई एम एट क्वींसटाउन, बहुत ही प्यारा है, मिस करने का मन नहीं किया. सो जस्ट 2 मिनट के लिए जस्ट अ हॉल्ट टू स्ट्रेच एंड बट आफ्टर दैट गोइंग बैक टू होटल. आई एम एक्साइटेड टू गो टू होटल नाउ. चलो भैया बहुत हुआ, बैक टू होटल. होटल नया है, एक्साइटेड देखने के लिए. सी या, सी यू इन द होटल. बाय बाय. फाइनली डन आज का टूर, ब्लफ, ग्लेनॉर्की एंड नॉर्ड होटल. आई थिंक यू लाइक दिस रूम टूर. रूम बहुत ही प्यारा है एंड व्यू सुपर्ब. तब तक के लिए व्लॉग एंड करते हैं. सो सी यू टुमारो, बिकॉज टुमारो आई हैव फ्लाइट एंड हैव वन ब्यूटिफुल स्पा दैट्स फेमस, क्वींसटाउन फेमस फॉर दैट. सो सी यू टुमारो गाइज.